हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं और मेरे पूरे फैमिली और मासी की फैमिली जा रही है हरिद्वार ट्रिप पे। एंड ये मेरा लास्ट ट्रिप है मेरे फैमिली के साथ, बिकॉज अब कुछ दिन बोल रही थी, अब सच में कुछ दिन बच गए हैं शादी में। तो अब तो भाई ससुराल में रहना है और टाइम मिलता है नहीं मिलता है, मतलब एक होता है ना उनके टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो, दैट्स इट। तो बहुत सारी चीज़ें बताने के वीडियो में पूरा मैं क्लियर करूँगी। तो ये बिल्कुल रैंडम ट्रिप था हमारा, बना था अचानक से कि ससुराल जाने से पहले हम नहा धोवा लेते हैं हरिद्वार में ताकि सबको शुभ शुभ हो। तो हम रास्ते से कुछ 1-2 घंटे चले, हम कार से जा रहे थे तो एक हाईवे पर हमें ढाबा दिखा था, तो वहाँ हमने चाय पी ली ताकि थोड़ा ना नींद खुला रहे और रात को ऐसे नींद ना आए ना, अच्छा नहीं लगता है। तो हम थोड़ा गाना वाना गाते हुए जा रहे थे तो बस ऐसा ही मन लगा रहे। तो फिर हमें ना वॉशरूम लग गया, तो बस एक पेट्रोल पंप के पास दिखा था, काफ़ी मस्त वहाँ का वॉशरूम होता है, तो वहाँ हमने यूज़ वगैरह कर लिया। देन हम ये क्लिप जो है अभी सामना वो 2 घंटे बाद की थी, तो किसी को बस चाय स्नैकिंग वगैरह करना था, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं मोस्टली ट्राई कर रही हूँ कि भाई कुछ ना खाऊँ, लोग मुझे बोल रहे थोड़ी पतली हो जाओ, बट नॉट पॉसिबल फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज, इस टाइम पर नहीं हो पाता है टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ कैंडीज मैंने लिए थे ताकि मैं खाते पीते रहूं और थोड़ा नींद ना आए, हैवी नहीं खाना था। देन मैं मम्मी मासी वगैरह सब वॉशरूम वगैरह गए थे फेस वगैरह धोने के लिए ताकि नींद उतर जाए भाई, बस का क्योंकि बीच में ना नींद आ रही थी लोगों को, मतलब मुझे तो मोस्टली बहुत कम आ रही थी, तो हमने बोला चलो ठीक है। तो ये जो ट्रिप थी ना बहुत बहुत प्यारा ट्रिप है, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे और हम ना रात को 1 बजे चढ़े थे और सुबह के 5:30 बजे पहुँच गए थे। और यहाँ पर इतनी गंदी वाली ठंडी है हरिद्वार में, ये बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और ये देहरादून साइड पड़ता है मतलब ये एरिया, तो यहाँ पे ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने 2 शॉल ओढ़ रखे हैं और सब ने काफ़ी ज़्यादा कैरी किया था स्वेटर वगैरह, मैंने नहीं किया और मेरी मम्मी ने, बिकॉज हमें अलग ही चूल था। तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड साइड में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे इतना मतलब घिनौस्टिक टाइप का माहौल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम पिछले बार आए थे तो काफ़ी सूखा सूखा था और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि पूरे फर्श में कीचड़ कीचड़ था, तो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। स्लीपर हमने पहना था, मैं तो फिसल के मतलब पैर भी काफ़ी ज़्यादा फिसल रहा था। तो यहाँ पर कुछ सामान वगैरह भी मुझे दिख रहे थे बट इतना ज़्यादा कीचड़ था ना कि कुछ भी देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। हमने बोला चलो हम पहले नहाएंगे धोएंगे, भगवान जी की आशीर्वाद हमें लेना था बिकॉज अभी हम जा रहे हैं ससुराल। तो वैसे ये हरिद्वार का ट्रिप मेरी मम्मी का था, प्लान बना था, बिकॉज मम्मी को चाहिए था कि मेरी शादी होने से पहले मैं हरिद्वार में हरिद्वार आए और गंगा जी में नहा के अपने मतलब शुभ शुभ अपने लाइफ को स्टार्ट करें। तो यहाँ का जो वेदर था, ये सारी चीज़ें देख के इतना मतलब दिल को तसल्ली सा मिल रहा था, तो हमने बोला कि चलो सही जगह पे हम आए हैं।
और जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं ना, वो पब्लिक वॉशरूम ही यूज़ कर लेते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी होता है। बट हमने अवॉइड किया कि हम पब्लिक वॉशरूम यूज़ करें, क्योंकि हम ना सात फैमिली थे तो हमें एक रूम में सामान वगैरह भी रखना था, और यहाँ पे वेटिंग लगी हुई थी ना लाइन वाइज, आप लोगों को जान रहा था, तो वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो हमने यहाँ पे 500 का रूम लिया था 3 घंटे के लिए, और अभी सूरज भी उग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है यार, क्या ही बताओ। तो हमने अभी यहाँ पे 500 में रूम बुक किया था 3 या 4 घंटे के लिए। हम बस सामान रखे, फ्रेश ना हुए, ब्रश वगैरह किया, देन हम जाते हैं नहाने के लिए, और वहाँ से आने के बाद हम अपना सारा चीज़ ऐसे उठा वगैरह लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो फैमिली है ना, मम्मा और मौसी का फैमिली, वो काफ़ी टाइम बाद साथ में कहीं जा रहे थे, तो ये अच्छा ही लग रहा था यार कि चलो लास्ट ट्रिप है तो सबके साथ हो रहा था, तो आई वॉज ओके विद दैट कि चलो ठीक है। तो ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी, बट जैसे जैसे धूप आ रहा था ना, तो ठंड भी वैसे वैसे दिल्ली वाली फीलिंग आ रही थी, बट मॉर्निंग में तो हैवी वाला ठंडी था। तो बस यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, बैठते हूँ मैं तो, मतलब रूम के अंदर तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी। हमें तो लग रहा था ना कि जो नवंबर दिसंबर में दिल्ली में ठंड थी ना, वैसा वाला फील आ रहा था यहाँ पे उत्तराखंड साइड में, तो हाँ ऑब्वियस था। तो सुबह सुबह पापा बोल रहे थे खा लो, तो मैंने बोला अरे अभी कैसे नहा ले, हमें अभी तो खा ले, मतलब हमें तो अभी नहाना भी है हम सबको, उसके बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो अभी काफ़ी सारे मंदिर भी हमें जाना है, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर श्योर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला लोकेशन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है, आप यहाँ पे कथा भी करवा सकते हैं एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे जब आप आओगे तो एक अलग अलग वाली फीलिंग आती है। और यहाँ हम जो जिस प्लेस पर भी खड़े, इसे कहते हैं हर की पौड़ी, मतलब जो हरि थे विष्णुदेव, उनका चरण यहाँ पड़ा है, तो ये इसका नाम दिया गया। और यहाँ पे नहाना, और कहते हैं शरीर की सारी गंदगी धुल जाती है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मतलब आई थिंक मैं काफ़ी साल बाद आ रही हूँ, लाइक 8 साल हो गया होगा मुझे लास्ट जो हम आए थे। तो यहाँ पे सब कोई नहा रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे कि चलो नहाऊंगी, मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं तो कहती मम्मी कैसे नहाऊंगी यार, देख रहा मतलब बॉडी ऐसा सिकुड़ रहा था, बट हाँ पानी में जाने के बाद सारी ठंडी चल जाती है, सबको पता होता है। लेट्स सी मेरा क्या होता है पता नहीं, बट हाँ अभी यहाँ पे मम्मी पापा पैसा लेने के लिए बना उनका बन गया, वो तो क्या कर रहे हैं, वो दे रही है ना वो औरत। भैया क्यों जा रहे, अलग से जाएंगे क्या, चले जाते उतरो उतरो आराम से उतरो। लगा लगा मैं एक ही डुबकी ऊपर ऊपर लगाई थी, तो मेरी तो सांसें रुकने वाली थी। फिर मम्मी ने बोला 5 डुबकी लगाया जाता है, तो मैंने मम्मी ने मौसी ने 5-5 डुबकी, फिर मैंने तो बाद में जब ठंड खत्म हुई ना एक बार डुबकी लगाने के बाद, तो मैंने काफ़ी सारा डुबकी वगैरह भी लगाया था। और इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी चेंज करने के टाइम पे, तो बट इट्स ओके, मैंने फिर चेंज वगैरह कर लिया। फिर मैंने ये रेड सूट लिया था कि मैं ससुराल जाकर पहनूंगी, बट मुझे कुछ और नया नहीं मिला, तो मैंने इसे ही उठा लिया कि चलो हरिद्वार से लेके चलते हैं, यही वाला हम पहन लेंगे। एंड यहाँ पे अभी सब कोई रेडी वगैरह हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो टीका वगैरह भी लगवा लेते हैं, बिकॉज़ मैं देखती थी रील वगैरह, मैंने कि लोग टीका विका लगा के रील बनवाते, बट मैंने तो यूट्यूब वीडियो बना लिया, रील के लिए जो पोर्ट्रेट वाला होता है ना मोड, वो तो मैंने करवाया ही नहीं, बाद में मुझे रियलाइज हो, बट इट्स ओके, मेरे लिए ज़्यादा यूट्यूब इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी आजकल कुछ भी डिसाइड कर रही हूँ ना कि लाइफ में क्या करना है कहाँ जाना है, तो देन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार यूट्यूब में ये पहले हो रखा है, तो अभी ये दोबारा से रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा,
तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब से ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है इंस्टाग्राम से ज़्यादा यूट्यूब पर ही मैं एक्टिव हूँ, मुझे ये पता है। बट हाँ, इंस्टा के स्टोरी पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, मतलब जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है वो इंस्टाग्राम के स्टोरी पर भी चलते रहते हैं। और जब हम सातों फैमिली ने नहा लिया तो उसके बाद हमें कथा भी करवाना था घाट के पास। आइए, काफी है। क्या है, कथा कहते हैं, क्या है? कथा भी होता है। चप्पल खोल कर फोटो खींचने, फोटो भी नहीं, फोटो खींचने वाला है मेरा। गंगा जी का ध्यान करिए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए, बोलिए ओम नमामि गंगे विष्णु हरि हरि विष्णु विष्णु श्री श्वेत बाराकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्ते भारतदेशे चैत्रमासे शुभे शुक्लपक्षे एकादश्याम तिथि शनिवासरे। सैंडल ऊपर कर लो भाऊजी, सैंडल छोड़िए, बैठ के हाँ छाता छोड़, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हरे अम्मा ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं। और घाट के पास कथा करवाने के बाद हमने 5-5 लीटर का बोतल लिया, उसमें गंगा जी भर के हम लेके जा रहे थे घर, बिकॉज जब भी पूजा पाठ होता है तो घर में छींट देने से पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। मोस्टली आप लोगों को पता होगा बताने की क्या जरूरत है। तो हाँ, यहाँ पे सब ने चेंज वगैरह कर लिए ये सारी चीज़ें लेने के बाद। अब हमारा प्लान बना कि थोड़ा कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, देन हम थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी हमें जाना था कुछ 2000 स्टेप पे थे मनसा देवी जी का मंदिर पहाड़ के ऊपर, तो हमें वो भी पैदल चढ़ना था, तो उसके लिए भी हम तैयार हो रहे थे। तो फिर प्लान बना कि पहले हम मस्त शुद्ध शाकाहारी खाना खा लेते हैं, तब उतना एनर्जी मिलेगा ना चढ़ने के लिए, बिकॉज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो हम इस रेस्टोरेंट में आ गए थे खाने के लिए, कुछ भी हल्का वगैरह, कुछ जो भी कुछ भी यहाँ पे मिल जाए खा लेंगे। बिकॉज देखो, आप कोई भी पूजा पाठ करते हो ना, तो उससे पहले खा लेना बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करो तो भूखे पेट करो ताकि आपके प्राण ही निकल जाए। बट हाँ, यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा, मैं पहले भी आई थी तो मुझे याद आ रहा था कि अरे यहाँ यहाँ तो हम गए ही थे। तो यहाँ पर हम ऑटो देख रहे थे कि ऑटो मिल जाए तो हम वहाँ मनसा देवी जी का जो गेट है ना, मेन गेट, वहाँ पहुँच जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ऑटो नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, पैदल पैदल ही वहाँ चले जाते हैं। एंड पहला जो रेस्टोरेंट था ना, वहाँ हमने कुछ खाया नहीं ज़्यादा, बस कचौड़ी या चाय वगैरह ही पिया था। तो हमने दूसरे रेस्टोरेंट में आ गए और यहाँ पर हमने छोले कुलचे, छोले भटूरे, दाल, यही सारी चीज़ें मोस्टली की थी। और खाने पीने के बाद मैंने यहाँ पर मस्त फ्रूटी पिया, छोटा सा बोतल था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा गला सूखा हुआ था, तो मैंने चला सबको ही हमने अलग अलग फ्लेवर के लिए था पी लेते हैं। एंड धीरे धीरे ही ट्रिप चल रही थी यार, मतलब हमने सोचा कि फटाफट सारी चीज़ें करने, बट वैसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, धीरे धीरे ही हो रही थी। मतलब खाते पीते अरे क्या ही करना है, कहाँ जाना है, चलो धीरे धीरे मस्त अपने आराम आराम से ही करते हैं। एंड हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, ये तो मेरी फैमिली के साथ लास्ट 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 ही ट्रिप है, अब जो होगी, अब जो कभी शादी के बाद में आऊँ जाऊँ तो ही होना पॉसिबल है। एंड दैट्स इट, क्या कर सकते हैं। पकड़ो, पानी दे रहे। और मनसा देवी के हम जो सीढ़ियाँ थे ना, उससे काफ़ी ऊपर आ गए थे, हमें तो लग रहा था बस यहीं पर चढ़ना, और जब चढ़ते गए तो पता चला कि और भी ऊपर जाना है। तो देख रही हो, ये सीढ़ी बहुत बहुत ऊपर था मंदिर मनसा देवी जी का, और जो रेड वाला कॉर्नर में दिख रहा है वहाँ पे लोग ट्रॉली से भी जा रहे थे, बट हमने अवॉइड किया कि ट्रॉली से नहीं जाते हैं, चलो पैदल ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना चलते चलते, और मेरा जो एक्सरसाइज वगैरह है, डेली डाइट रूटीन है, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें रुकी हुई है ना, तो इतना चलते चलते क्या होता है ना कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। सब कोई एक्टिव थे, सब कोई ठीक फील कर रहा था, बट जो मेरा बॉडी था ना वो मेरे साथ काम नहीं कर रहा था। तो मैं शॉक्ड थी, इवन सब कोई शॉक्ड थे कि अरे ये तो एक्सरसाइज इतना ज़्यादा करते बट इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब पैर बिल्कुल ऐसे हिल रहा था यार। और देखो वो मंदिर दिख रही है ना, वहाँ पर जाना, फिर वो भी अभी ऊपर हैं, वो लग रहा है कि पास में ऊपर में ही है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है अंदर जाते जाते ही। तो यहाँ
पे, हाँ क्या बोल रही थी मैं कि मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था तो, बट हाँ अच्छे से हम अंदर चले जाते हैं, काफ़ी अच्छे से दर्शन वगैरह भी भगवान जी का हो जाता है। और वहाँ पे मुझे ना धागा बांधना था, वहाँ जो हमें जो प्रसाद मिली थी ना उसमें ही जो धागा दिख रहा नहीं यही सब कुछ बांधना था। तो जब मैं मंदिर के पास में गई तो किसी को कुछ नहीं मिला, मुझे पंडित जी ने ना माता जी का जो 2 रुपये का सिक्का था और रोज़ फ्लावर था वो मुझे दे दिया, बोला इसे अपने पर्स में रख लेने के लिए। तो आई वॉज लाइक ओह मेरे साथ ही ये हुआ, बहुत अच्छी बात, बिकॉज किसी के साथ नहीं हुआ था। फिर जब उतरने लगे तो वहाँ कुछ सूट नहीं किया यार, बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने यहाँ सिकंजी पिया, ये 20 रुपीस का था आई थिंक, पापा ने भी पिया था, पापा की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे 10 रुपये का 4 पत्ता जो बिंदी बोलते हैं ना वो ले लिया, तो मैं तो इस बिंदी को ही लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे से हमने शायद सिंदूर वगैरह भी लिया था, जो ग्लिटर वाले सिंदूर होते हैं, बिकॉज अब तो टाइम ही आ रहा है यार लगाने वगाने वाला, क्या ही कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो अभी बस हाँ सिकंजी पीना है, थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे, नहीं हम जैसे फटाफट चढ़ के ऊपर गए थे ना, सब कोई तो बैठ बैठ के जा रहा था, हम तो बिल्कुल फटाफट जा रहे थे, वो उतने ही फटाफट से हम नीचे उतर जाते हैं। और फिर नीचे उतरते ही मेरे पैरों की बच जाती है बैंड, बट हाँ और कुछ यहाँ पे ज़्यादा हमने शॉपिंग वगैरह नहीं किया, तो मैंने सिंदूर का किया सोचा था जिसमें नहीं सिंदूर रखते हैं कि वो लूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था, हमें लग रहा था कि जल्दी से कर ले और फिर फटाफट चले जाए। और हाँ यहाँ से निकलने के बाद मैं कुछ ज़्यादा सूट वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता है, आईफोन 12 है ना मिनी है, इवन आईफोन में बैटरी प्रॉब्लम होती है, आई थिंक सबको पता होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें हम देख रहे थे, बट कुछ ज़्यादा हमने लिया नहीं, अवॉइड किया है लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, कॉस्टली की बात नहीं है, कौन ही लेता है यार। तो फिर मम्मी को मैंने कैमरा दे दिया, चलो मेरा भी कुछ सूट कर लो, और मैं जितनी मोटी दिख रहा हूँ उतनी हूँ नहीं इसमें एक्चुअल में, क्या है ना कि ये जो मेरा फ्रॉक सूट है ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, तो वैसा फैला फैला सा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स भी सूट वगैरह कर रहे थे, चलो ठीक है ये हटाओ। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि मैं कोई डाइट रूटीन अभी फॉलो नहीं कर रही हूँ, और डाइट रूटीन मैं तब ही फॉलो करूँगी जब मैं सेटल हो जाऊँगी अपने ससुराल में, लाइक एक महीने बाद आई थिंक, जब सब कुछ खत्म हो जाए जितना भी काम धाम है, देन ही सब कुछ आपको यूट्यूब वीडियोज़ में शूट कर पाऊँगी। यहाँ पे मैं कुल्फी खा लेती बिकॉज बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। फिर मैंने कुछ रिंग लिया था, फिर जो राधे राधे होता है ना टीका लगाने के लिए वो भी मैंने ले लिया। एंड अभी जो मोस्टली आप लोगों को मेरे वीडियोज़ देखने को मिलेगी, अभी जो मेरे लाइफ में चल रहा है वो, फिर जो हमारा रिचुअल्स है बिहारी वेडिंग कैसे होता है, कितने सारे तामझाम होते हैं, वो सारी चीज़ें ही मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं अभी कोई डाइट कर ही नहीं रही हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं जो हाँ नॉर्मली जो खाना खाती हूँ वही खा रही हूँ 3 टाइम या 2 टाइम, जो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है, और जितनी क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने कम कर रखा है। तो लेट्स सी। और हाँ आप लोगों को बहुत बहुत ही उत्सुकता होती है मेरी वेट जानने की कि मेरा वेट कितना है, तो हाँ अभी मेरा वेट है 58 kg, हाँ और इससे कम भी कर सकती हूँ बट इसी के आसपास रहूँगी, बिकॉज नहीं हो पा रहा है ना यार कुछ ना कुछ, बाहर इतना ज़्यादा जाना होता है और मैं भूखे पेट चले जाते हैं तो घर आके उल्टी करती हूँ, फिर भर पेट मुझे पापा डांट के खाना खिला देते हैं, डाइट डाइट के चक्कर में मर जाएगी। तो हाँ किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक सिचुएशन होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, एक परफेक्ट मतलब जो माहौल होता है ना वो होना चाहिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हो खा रहे हो, फिर अभी वो माहौल नहीं है। मैं डांट सुन जाती हूँ पापा मम्मी से, पापा बोलते हैं कि जाने वाली है, फिर 3 दिन व्रत रखना है, शादी करनी है, फिर उसमें चक्कर आएगा, ये सब मत कर। तो चलो पहले कोई ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं होता था मेरे डाइट में, अभी पूरी फैमिली इन्वॉल्व डांटते ही रहते हैं, तो इसलिए। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था घर जाते जाते, बट मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मेरा फोन ऑफ हो गया था, और जब हमने कार में इसे लगाया तो भी चार्ज ये नहीं हो पाया।